परेश रावल मानते हैं कि आज इतने वर्षों तक वो बॉलीवुड में इसीलिए टिके हुए हैं क्योंकि उन्हें अपना काम अच्छी तरह से आता है। यहाँ बने रहने के लिए न तो उनकी हीरो जैसी इमेज रही है और ना ही कोई गॉडफादर। परेश जल्द ही फिल्म गेस्ट इन लंदन में नजर आने वाले हैं। जागरण.com से खास बातचीत में उन्होंने आपको एक साधारण व्यक्ति बताते हुए कहा, नहीं मेरे डोले शोले है, नहीं मैं चॉकलेट अभिनेता हूँ, नहीं मैं अच्छा डांसर हूँ, बस दमदार अभिनय करने की क्षमता से ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई है। जो भी भूमिका मिली उसके साथ हमेशा न्याय करने का पूरा प्रयास किया है। परेश रावल कहते हैं, मैंने कभी भी अपनी तरफ से कुछ भी बदलाव करने की कोशिश नहीं की है, मैंने जो भी किया उसे अच्छी तरह से निभाने से कोशिश की है। मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि लोगों ने यह समझा कि इसे कोई भी भूमिका दो यह निभा देगा। यह मेरे भाग्य के कारण ही हुआ है। न तो मेरे पिता फिल्म इंडस्ट्री से हैं, न ही मेरा भाई फिल्म निर्देशक है, मेरा दूर दूर तक यहाँ से कोई लेना देना नहीं रहा है। अभिनेता से सांसद बन चुके परेश रावल ने साल 1985 में अर्जुन से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की और अब तक कई फिल्में में बेहतरीन अभिनय किया है। उन्हें वो छोकरी और सर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है।